तो नमस्कार सभी दर्शकों को, पब्लिक लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ग्यारसपुर से पब्लिक लाइव संवाददाता सीताराम कुशवा। आज हम ग्यारसपुर के ऐतिहासिक और प्राचीन मानसरोवर तालाब में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आज समूह का समूह सफाई अभियान में लगा हुआ है। पूरे यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्चे, स्कूल के सीएमआर स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और यहाँ स्थानीय सरपंच और रोजगार सहायक और सचिव की यहाँ पर पूरी टीम और गणमान्य नागरिक समाज सेवी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ की तरफ ये मानसरोवर तालाब है और ये काफी प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है ग्यारसपुर की। लगातार इसमें 15 दिन से भी ज्यादा का समय हुआ है और सफाई अभियान बहुत तेजी चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में दूर दूर तक, यहाँ पर आप मेरे कैमरे के जरिए देख सकते हैं, दूर दूर तक लोग सफाई में लगे हुए हैं। कट कर दो। सीएम राय स्कूल की एक विद्यार्थी हैं, स्कूल की छात्रा हैं, उनसे बात करते हैं कि जो ग्यारसपुर की ऐतिहासिक धरोहर है, जो मानसरोवर झील है, उसकी सफाई के लिए लोग कितनी संख्या में आए हैं और कौन कौन इनके सर इनके साथ में आए हैं जो यहाँ की शिक्षा दी। क्या नाम है जी? और मैं ग्यारसपुर की रहने वाली हूँ। हमारे विद्यालय का नाम सीएम राय विद्यालय ग्यारसपुर है और जो कि हमारे स्कूल की विद्यार्थी और हमारे सर, सभी सर मैम आए हैं। 101 की संख्या में हमारे बच्चे हैं जो सर श्रमदान के लिए आए हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं अपने देश को और हमारा ग्यारसपुर का मान सरोवर चला है, ऐतिहासिक चला है, तो उसकी सरोवर की सफाई करने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए हम सब आए हैं और यहाँ हम सब अपना श्रमदान कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह सब बच्चों में दिख रहा है सफाई को लेकर? स्कूल के एक और छात्रा यहाँ पर मौजूद है जो कि हम उनसे बात करेंगे कि इस जो अभियान में जुटे हुए हैं, जो पुनीत कार्य में जुटे हुए, किस प्रकार का इस कार्य करते हुए उत्साह उनको लग रहा है, क्या जुनून है उनके अंदर? जी क्या नाम है? अपनी धरोहर है, अपने फायदा मिलेगा जी। तो कैसा क्या लग रहा है आपको सफाई करते हुए? आप घर में मौका हमें मिला है, हमारे स्कूल वाले मिला है, हमारे बच्चे पब्लिक लाइव को देखने वाले को क्या संदेश देना चाहते हो सफाई अभियान के माध्यम से? आप भी सभी योगदान दें, आपका भी यहाँ बहुत कुछ दाम होगा, पुण्य का मांग गुलाबगंज के मंडल अध्यक्ष भाजपा के प्रतीक कंग जी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं श्रमदान को करने से कैसा क्या अनुभव कर रहा है, कानून अनुभव कर रहे हैं और इनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ग्यारसपुर जो ऐतिहासिक धरोहर है मानसर उसकी झील के बारे में कहाँ से उनको विचार आया कि इसकी सफाई करनी चाहिए? जी क्या क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम प्रतीक कंग है, मंडल अध्यक्ष गुलाबगंज और अटारी खेड़ा का निवासी हूँ और मुझे जैसे ही कैलाश रघुवंशी जी ने, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और वहाँ की जो धरोहर है, मानसरोवर है, हम उसको बचाना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं कि आम जनता के लिए ही नहीं, यहाँ के जो मछलियाँ हैं, जो जलजीव हैं, उनके जीवन के लिए हम उसकी सफाई करें। और जल ही जीवन है, आपको पता है आने वाले समय में हमें सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की पड़ेगी तो जल की। तो हम सभी का यही विचार है और अगर हम मानसरोवर को, इसके सरोवर को बचा सके तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा काम। केंद्र सरकार भी लगातार अमृत सरोवर बना रही, जल संरक्षण की बात कर रही थी, जो हमारे गाँव में है, जो छोटे कुएं हैं, छोटे तालाब हैं, लगातार सरकार भी इसमें प्रयास कर रही, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार भी ये चीज़ समझती है कि ये जो हमारी पुरानी संपदाएं हैं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पुराने समय के राजाओं ने और अन्य ऋषि मुनियों ने जो चीज़ बनाई थी वो इतना सोचने लंबे समय के लिए बनाई थी कि जो आज भी हमारे काम आ रही है, चाहे वो तालाब हों, चाहे बावड़ियाँ हों, कुएँ हों, और उसके पानी का आज भी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी धरोहर है। तो सरकार भी इस चीज़ को सोचती है और आगे आने वाले 100 वर्ष के लिए यही प्लानिंग है, जल जीवन मिशन है जैसे, तो हर गांव में नल से जो पानी पहुंचाने की है, ये 2-4-5 साल के लिए स्कीम नहीं है, ये आने वाले 100 साल के लिए स्कीम है। हमारी बहनें माताएं घर बैठ के उनको पानी मिले, उन्हें कहीं घर से जाना ना पड़े, पुरुष जो हैं अपना काम कर सके, उन्हें पानी के पीछे चिंता ना हो। तो केंद्र सरकार और हमारी मध्य प्रदेश सरकार आम जनता के लिए पानी से लेकर हर सुविधा तक दृढ़ निश्चय लेके बैठी हुई है कि हमें आम जीवन का स्तर बढ़ाना है। ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब है, आप देख सकते हैं कैमरे नजर में काफी जलकुंभी इसमें है और लगातार 15 दिन से अधिक का समय हो गया है इस अभियान में और आज जो कि आज रविवार है, काफी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी जिसमें रोजगार सहायक हैं और हमारे सचिव जी हैं और यहां पर जो है
जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी जी, स्थानीय सरपंच हैं और अन्य गांव से भी सरपंच यहाँ, और स्कूल सीएम राय स्कूल के बच्चे उनके शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रोजगार सहायक जो है यहाँ पर किस उद्देश्य से लेकर आए हैं और यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं तो किस मकसद से चला रहे हैं और क्या उनको प्रेरणा देना चाहते हैं आम लोगों के लिए, अपने गाँव के घर वालों को बचाने के लिए जी। तो हम उनसे बात करेंगे, आप आ जाइए। तो आप लगातार देख सकते हैं लगातार सफाई अभियान चालू है और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्तर से सफाई कर रहे हैं जी। बताएं कहाँ से ये प्रेरणा मिली है और क्या उद्देश्य से कर रहे हैं मानसरोवर की सफाई? प्रेरणा तो भाई साहब एक बात क्लियर है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी जी श्री कैलाश भाई साहब की तरफ से जी, और जी आर एस ने भी सोचा क्योंकि हम लोगों की हड़ताल चल रही है। हाँ हाँ, तो हम भी अपनी बात सफाई के माध्यम से जी श्री सी एम साहब शिवराज सिंह जी चौहान जी बताना चाहते हैं जी, से वो हमारी मांग है जल्दी जल्दी पूरी करें जी, जिला कैडर करके नियमित करें जी। तो हमारे साथ में सचिव संघ के अध्यक्ष ग्यारसपुर ब्लॉक के हमारे पृथ्वीराज सिंह मीणा जी भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। उनके भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर सचिव आज सफाई करने के लिए आए, तो क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो इस सफाई अभियान के प्रेरणादायक माननीय सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री कैलाश रघुवंशी जी हैं जी, और उनके ही देख रेख में हम जो लोग सफाई अभियान चला रहा है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है जी मानसरोवर तालाब स्वच्छ रहे जी, ग्यारसपुर को निर्मल जल उपलब्ध जी, इन्हीं बातों के साथ जय। तो लगातार देखने में आ रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एक सफाई अभियान चल रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से आज जो इतना महाअभियान आज मानसरोवर झील पर चल रहा है सफाई अभियान, तो कहीं ना कहीं हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उन्हीं के हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी और अन्य नेतागण और यहाँ पर जनप्रतिनिधि समाज से जुटे हुए हमारे साथ में रोजगार सहायक के जो रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करें। जितेंद्र जी डांगी जी क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ कार्यक्रम बहुत अच्छा काम है, मानसरोवर तालाब है, ऐतिहासिक चीज है ग्यारसपुर की, और साफ हो जाएगा तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे जी। और स्थानीय जो आप लोगों के ग्राम पंचायत में छोटे मोटे जो होते हैं तालाब होते हैं बावड़ नहीं, तो ये एक प्रेरणादायक चीज हो रही है, इससे हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में जो छोटे छोटे सरोवर हैं जी उनकी भी सफाई होना चाहिए और जाके हम लोग भी किसी न किसी प्रकार से अपनी सफाई का काम चालू करवाएं। और लगातार अभी आप लोग हड़ताल चले इसके बावजूद भी आप लोग एक आह्वान पे आए, क्या कहते सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों के लिए? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि हमारी दो महीने हो चुके हैं लगभग, लगातार हड़ताल चल रही है और हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, हमारी सिर्फ एक ही मांग है जिला संभर की जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए, पंचायतों में भी काफी काम प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र रघुवंशी जी हैं कि जो मानोरा के रोजगार सहायक, वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि विश्व सुंदरी की नगरी में, साल भांजिका की नगरी में अपन लोग हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तालाब है जिसका आप देख सकते हो क्या दिशा हो रही है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इस तालाब को सुंदर बनाएं जी और इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में एक अच्छी तरह विकसित करें जी, जो कि अपने क्षेत्र का विकास होगा जी और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। लगातार आज काफी जनसमूह में सभी अलग जनप्रतिनिधि और यहाँ पर नेतागण और अन्य कर्मचारी यहाँ पर आज लगे हुए हैं, सबका एक ही कहना है इस धरोहर को हमको बचाना है और इसको बचाकर यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाना है। ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा पब्लिक लाइफ के लिए संवाददाता।